दोस्तों ये कहानी है कैसे लड़के की जो कि पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से और घर की हालत बस से बदतर थी। यानी अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो उसके बैठाने तक की जगह वहां नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं। तो वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था तो घर की हालत को देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तू यहाँ पर रहता है? बोले हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? बोला हाँ ये मेरा घर है भाई। बोला तू ऐसे हालातों में रहता है? बोला हाँ मैं ऐसे हालातों में ही रहता हूँ। क्यों क्या हुआ? थोड़ी देर तक तो उसका दोस्त चुप बैठा रहा लेकिन फिर वो बोला, वाह वाह मेरे दोस्त वाह, तेरी घर की हालत बस से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर खर्च चलाते हैं और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं और तेरे घर की हालत बस से बदतर हो चुकी है। तू एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को, किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्तों ने कहा, तू चल मेरे साथ। वो बोला, कहाँ चलना है? नहीं तू चल मेरे साथ। तो उसका दोस्त उसे वहां ले गया जहाँ पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो वहां पर बैठे हुए थे, पसीने से तर बतर होकर हालत बस से बतर हो चुकी थी, शरीर में पेन हो रहा था और उनके पास में उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर और बैठा था और वो उनसे कुछ कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पर बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है, मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ दो वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं पैसा बच ही नहीं पाता। अभी तो बेटे के स्कूल की फीस भी भरनी है, यार इससे बेहतर तो मौत ही है। जिंदगी दुख का दूसरा नाम बन चुकी है, मैं तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से, अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख देख कैसे जीते हैं तेरे पापा, तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तो अपने पापा की हालत को देख कि कैसे जीते हैं और एक बार तो अपनी हालत को देख कि तू कैसे जीता है। वो 2 करोड़ का मोबाइल तेरे पापा से पढ़ कर है, वो 2 करोड़ की लड़कियां जो जिंदगी में सिर्फ कुछ पलों के लिए आती है और फिर चली जाती है, वो तेरे पापा से पढ़ कर है। वाह मेरे दोस्त वाह, ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएगी और फिर चली जाएगी, अरे बदल अपने हालातों को। यह सब देख कर और यह सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक गए और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं आने वाले 5 साल के अंदर अंदर इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनकर दिखाऊंगा। और उसके अंदर से चीख उठी थी कि मुझे एक कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। और जैसे ही उसके अंदर से ये चीख निकली वो दिन के लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य कि बहुत बड़ी कंपनी का मुझे मालिक बनना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सकता है पढ़ने से। और आखिरी के सिर्फ 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप कर दिखाया। सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, सब लोग दंग रह गए कि हाउ इज दिस पॉसिबल। जब उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तब उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का एक दिन में मालिक बनकर दिखाऊं। सिर्फ इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और अपने प्रदेश में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों हो सकता है कि आप इस कहानी की शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे के पापा बहुत ही संघर्ष करके उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो। उस कहानी में उस लड़के ने रियलिटी को एक्सेप्ट करा और अपने हालातों को बदल दिया। लेकिन क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो, अपने हालातों को देख पाते हो, अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए? वो लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर पाओ? क्या गारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल पाओ? गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है जब आपके अंदर से एक चीख उठकर आए, आपके अंदर से एक आवाज उठकर आए कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊं। और जिस दिन आपके अंदर से ये आ गया ना कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अपने हालातों को बदलना है, अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को सच करना है, जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज आ गई उस दिन से एक बात तो तय है कि आप अपने हालातों को बदल दोगे, अपने माँ बाप के सारे सपनों को सच कर दोगे। बस जरूरत है तो एक अंदर से आवाज की। दोस्तों बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, बहाने तो हर कोई बनाता है, हर वो इंसान बनाता है जो कायर होता है। मेरा मन नहीं लगता, मुझे आलस आ रहे हैं, मुझे मैथ्स टफ लगता है, मुझे साइंस टफ लगता है, मुझे ये टफ लगता है, मुझे वो टफ लगता है, कुछ भी टफ नहीं है। जाकर पूछो उस टॉपर से कि तुझे क्या टफ लगता है, तो हमेशा हमें सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि पढ़ने वाले के लिए कुछ भी टफ नहीं है। और दोस्तों जिंदगी का भी यही वसूल है, करने वाला कुछ भी कर जाएगा और जो ना करने वाला है ना
वो छोटी सी मुसीबत आने पर रुक जाएगा। बहाने बनाने में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसे दिन भर आलस आते रहेंगे, उसके अंदर की एनर्जी बाहर उठ ही नहीं पाएगी। मैथमेटिक्स करते वक्त अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो आपको सजेस्ट करूंगा, जिसका नाम है डाउट नट। आप यहाँ पर किसी भी सवाल का फोटो खींचकर उसका आंसर पा सकते हैं। IIT JEE के क्रश कोर्स की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, और अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उसकी सुविधा भी हाल ही में यहाँ पर हो चुकी है। मोबाइल में फालतू की चीज़ों को रखा जाए इससे तो अच्छा है कि कुछ काम का रखा जाए और मोबाइल का उपयोग अपनी पढ़ाई में किया जाए।